अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए एक बड़े ख़तरे की घंटी बज गई और जिस तरह से करोड़ों पाकिस्तानी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख़ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है भारत से एक अपनी शिकस्त का बदला लेगी और एक नई तारीख रकम करेगी और इंडियन क्रिकेट टीम को जो सातवें आसमान से वापस लाने के दावे कर रहे थे लेकिन आज जिस अंदाज़ से रवायती हरीफ़ भारत के ख़िलाफ़ हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस रही है इंतहाई मायूस मायूसकुन परफॉर्मेंस रही है और एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया एक अलार्मिंग सिचुएशन हमें देखने में नजर आई है कि तमाम डिपार्टमेंट्स में चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो फील्डिंग हो तमाम डिपार्टमेंट्स में आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम नाकाम दिखाई दी और एक बड़े मैच का जो बड़ा प्रेशर था वो सस्टेन करने में नाकाम रही है यानी कि एक लाख से ज़ायद की ऑडियंस अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में जहां इंडियन क्रिकेट टीम को प्रेशर में होना चाहिए था वहां आज सब उलट हो गया यानी कि मैं देखूँगा कि पाकिस्तान टीम के चिरागों में रोशनी नहीं रही है पाकिस्तान के टॉप बैटर्स जो हैं उन्होंने अगर रनस किए हैं तो आज पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर जो है यकसर फ्लॉप दिखाई दिया उसके बाद जो बॉलर्स थे पता नहीं उन हमारे बॉलर्स को क्या हो गया है यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है लेकिन तमाम क्रेडिट मैं दूंगा इंडियन क्रिकेट टीम को इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा को कि उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी जिस एग्रेसिव तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया तमाम क्रेडिट इंडियन क्रिकेट टीम को जाता है और सबसे बढ़कर मैं ये कहूँगा कि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलने पर इंडियन क्रिकेट टीम ने आज पाकिस्तान को पैशन में ले कराया है और वही पिच थी वही स्ट्रेटी थी वही सुरत्याल थी एक तरफ पाकिस्तान के जो बैटर्स थे वो इंडियन स्पिनर्स को खेलने में नाकाम रहे तो दूसरी तरफ अगर हम अपने स्पिनर्स की बात करें शादाब खान की बात करें मोहम्मद नवाज़ की बात करें तो उनको जिस अंदाज से उन्होंने अटैक किया जिस अंदाज से पाकिस्तान के टॉप बॉलिंग को अटैक किया शाहिन नफीदी को अटैक किया हसन अली को हारिस रोफ़ को अटैक किया तो काबिल तहसीन है इंडियन क्रिकेट टीम की ये परफार्मेंस को और तीन मैचों में तीनों मैचों में कामयाबी के बाद इंडियन क्रिकेट टीम आईसीसी वर्ल्ड कप की इस वक्त जो पॉइंट टेबल है उसमें पहले नंबर पर आ गई है सबसे अलार्मिंग सिचुएशन ये थी कि बड़े दावे किए जाते रहे कि आज के इस मैच में आई की तारीख़ में एक नई जो हिस्ट्री है जो नया रिकॉर्ड बनेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है इंडिया को शिकस्त देगी लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे जो हमारे साथी हैं एंकर्स हैं वही कह रहे थे कि शायद इंडियन क्रिकेट टीम इस वक्त सातवें आसमान पर मौजूद है तो वहाँ से नीचे आएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत की सूरत में लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने में नज़र नहीं आया बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी की है हर मौके पर जो स्ट्रेटजी बनाएगी अपने बॉलिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बड़ा स्कोर नहीं होने देना बिल्कुल टू दी मार्क बॉलिंग करवाएगी जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की कलदेव यादव ने बॉलिंग की उसके अलावा दीगर जो बॉलर्स हैं उन्होंने बॉलिंग की खासतौर पर सराज ने बॉलिंग की पांड्या ने बॉलिंग की तो तमाम इंडियन बॉलर्स ने टू द लाइन उस स्ट्रेटजी के साथ बॉलिंग की कि पाकिस्तान टीम को बड़ा स्कोर ना करे ऑफ कटर्स मारेंगे लेग कटर्स मारेंगे और पाकिस्तान की जो तमाम बैटर्स थे उनको पूरे जो है प्रेशर में रखा तो बड़ा स्कोर करने में एक तरफ जो पाकिस्तान टीम नाकाम रही तो वहां पर हमारे बॉलर्स को भी पता नहीं आज क्या हुआ कि अगर ए वन नाइन्टी वन पर आउट हो गए तो रिस्पेक्टेबल जो है शिकस्त का सामना करते एक चालीस पैंतालीस ओवर तक जो है जाते मुझे तो लग रहा था कि मैं जो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को जो इंडिया की बी टीम कहता हूँ कि बेबी टीम है इंडिया की कि जिस तरह चाहे जो है इंडिया उसके साथ सलूक करता है लेकिन उसी से कुछ सबक सीख लेते हैं कि इंडिया ने के इंडिया के ख़िलाफ़ जो है दो सौ बहत्तर रनस किया अफगानिस्तान ने और इंडिया ने जो है रोहित शर्मा की शानदार सेंचुरी की बदौलत वो पैंतीस ओवर्स में पूरा करी लेकिन यहाँ पर तो पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े नाम थे हम मैं बार बार कह रहा था कि हमारे जो मिडिल ऑर्डर टीम है पाकिस्तान की जब बड़ा मैच आएगा तब उसकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा परफॉर्मेंस तो पता चल गई बड़े वन साइड मैच देखा कि करोड़ों नाजीन इस क्रिकेट मैच को वर्ल्ड कप का जो सबसे बड़ा मैच करार दिया जा रहा था वो उसको देख रही थी लेकिन बड़ी मायूसी हुई ना सिर्फ बैटिंग के शोबे में बल्कि बॉलिंग के शोबे में भी मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो टॉप बॉलर से चाहे शाहीन हफीजे ने दो आउट ज़रूर किए छत्तीस रन देकर लेकिन मैं देख रहा था हारिस रूफ को बार बार बॉलिंग दी जा रही थी वो जिस अटैकिंग तरीके से हारिस रूफ को निशाना बना रहे थे लेकिन पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी थी बाबर आज़म की कि वो बार बार हारिस रूफ को बॉलिंग दे रहे थे और हारिस रूफ ने भी छः ओवर में तैंतालीस रन दिए और अब लमा फिक्रिया है पाकिस्तान के जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट के ऊपर मैं बार बार कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते जो बाकी टीम के बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उसामा मीर बैठे हुए हैं उनको मौका दें ताकि ये जो शदाब खान हैं बेशक टीम का वाइस कैप्टन ज़रूर है लेकिन अब तक तीन मैचों में मैं नैलस देख रहा था कि शदाब खान की जो नेल्सिस हैं इंडिया के खिलाफ चार ओवरों में इकतीस रन दिए श्रीलंका के खिलाफ आठ ओवरों में पचपन रन दे एक आउट किया और हॉलैंड के ख़िलाफ़ आठ ओर में पैंतालीस रन देकर एक आउट किया है ये हमारा मेन स्पिनर है पाकिस्तान का जिसकी परफॉर्मेंस हमें यह नज़ारे साथ साथ अगर हम मोहम्मद नवाज़ की बात करें तो आठ

आजम को मैं ये कहता हूँ कि जो असामा मेरबार बैठे हैं उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आने वाले मैच में मौका दें ताकि वो भी अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके दोस्ती यारी खत्म करनी चाहिए शिकस्त है अलार्मिंग सिचुएशन है अभी हम हारे नहीं हैं आगे ऑस्ट्रेलिया और बाकी टीमों से भी मैच है बीस तारीख को बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलना है तो खुदा के लिए अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर गौर करें ऊपर से भी देखें और पाकिस्तान की जो स्पिनर डिपार्टमेंट है उसके ऊपर भी ज़रूर गौर करना चाहिए अब तक के लिए नाजीन इतना ही उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख को जब ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच होगा एक नई टीम सिलियर के खिलाफ ग्राउंड में उतरेगी